जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जनरल मीटिंग हेल्ड करना, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना बहुत एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। हर एक कंपनी को अदर देन वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक इंसान कंपनी खोल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वन पर्सन कंपनी। डेफिनेटली तुम लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे यही बोला है कि वन पर्सन कंपनी के अलावा बाकी जितने भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है ये कब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग को करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। फर्स्ट है कि जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना मैंडेटरी है। इसके लिए कोई और रेजोल्यूशन नहीं है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 9 मंथ्स के अंदर करना मैंडेटरी है। अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद जितने भी कैलेंडर ईयर हैं, कैलेंडर ईयर क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के अंदर फिर से एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना मैंडेटरी है। तो फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर में क्या हो गया कि 9 मंथ्स के अंदर, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 9 मंथ्स के अंदर हमें फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करना है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या हुआ, सेकंड चीज़ क्या है कि अभी नेक्स्ट ईयर क्या करना है कि जो कैलेंडर ईयर है उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर के अंदर हमें मीटिंग करना है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग जो हमने किया था और सेकंड मीटिंग नेक्स्ट ईयर जब हम वापस मीटिंग करेंगे उसका डिफरेंस 15 मंथ्स होना पड़ेगा। आई थिंक आई एम क्लियर। उसका डिफरेंस 15 मंथ्स होना पड़ेगा। द गैप बिटवीन टू AGMs, AGMs मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, मस्ट नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स, मतलब विद इन 15 मंथ्स करना ही पड़ेगा। ओके, क्या हमने समझा कि साल में एक मीटिंग होना पड़ेगा, दैट इज़ कैलेंडर ईयर, जहाँ पे, लेकिन जो फर्स्ट हमने मीटिंग किया था विद इन 9 मंथ्स और सेकंड मीटिंग जो होगा उसके बीच में हम मैक्स टू मैक्स 15 मंथ्स का गैप रख सकते हैं, ठीक है। और सपोज़ अभी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम 15 मंथ्स के अंदर या मीटिंग नहीं कर पाए, तब क्या होगा, तब हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, एक एप्लीकेशन देंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, हम एक एप्लीकेशन देंगे, देने के बाद अगर रजिस्ट्रार हमें अप्रूव करता है तो हमें फर्दर 3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा। एक्सटेंशन पीरियड क्या का मिलेगा, दैट इज़, मैं फिर से बोल रही हूँ यहाँ पे कुछ तुम लोगों को कन्फ्यूशन ताकि क्रिएट ना हो। वन मीटिंग हेल्ड ईच ईयर इन कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करना है, ठीक है। गैप 2 मीटिंग का 15 मंथ्स हो सकता है, लेकिन जैसे AGMs मस्ट नॉट बी हेल्ड नॉट लेटर देन 6 मंथ्स फॉर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहले साल हम लोगों को क्या पता था कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 9 महीने के अंदर हम मीटिंग कर सकते हैं, है ना, 9 महीने के अंदर हम मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड मीटिंग जब हम करेंगे तो हमें कितना टाइम मिलेगा, 6 मंथ्स। अब सोचो 6 मंथ्स के अंदर हम मीटिंग नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो हमें पहले से ही रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके हमें एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन में हमें रीजंस देना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं कर पाए, और हमें एक एक्सटेंशन पीरियड अगर रजिस्ट्रर चाहे तो 3 महीने का मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अभी देखो और क्या है, टाइम डेट एंड प्लेस,
कब हम मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग करने का टाइम है 9 AM to 6 PM, 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शाम के अंदर हमें मीटिंग करना है, ये टाइम है। और हम किसी भी हॉलीडेज़ में, चाहे वो संडे हो, चाहे वो पब्लिक हॉलीडे हो, चाहे वो नेशनल हॉलीडे हो, हम नहीं कर सकते मीटिंग, हमें वर्किंग डे में ही मीटिंग करना पड़ेगा। और कहाँ पे मीटिंग करेंगे, या तो हमारे रजिस्ट्रार के ऑफिस या रजिस्ट्रार के ऑफिस के एरिया के अंदर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ नोटिस। अभी देखो, हमें पता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो डेफिनेटली बाहर या फिर और जो मेंबर्स है वो एक टाइम पे प्रेजेंट करना, हम पहले दिन कॉल करके तो बोल नहीं सकते ना, तो इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, देखो कि एटलीस्ट 21 डेज का टाइम मिलना पड़ेगा। सपोज़ मैं एक शेयर एक मेंबर हूँ, मुझे एनुअल जनरल मीटिंग में जाना है ABC कंपनी का, तो मेरे पास जो नोटिस आएगा उस नोटिस के 21 डेज बाद मुझे जाना है मीटिंग में, समझे। और ये जो 21 डेज बाद मुझे मीटिंग में जाना है, इसका मतलब जब ये नोटिस भेजा जाएगा वो एटलीस्ट 2 दिन पहले भेजा जाएगा। मतलब जिस दिन नोटिस बनाया गया है, जिस दिन नोटिस बना के भेजा गया है वो एक दिन, और जिस दिन मीटिंग है दैट इज़ आफ्टर 21 डेज। तो कितना डेज इन्वॉल्व हुआ, 23 डेज। फर्स्ट डे कब है, फर्स्ट डे है जिस दिन नोटिस भेजा गया, उसके बाद 21 डेज हम वेट करेंगे, और 22nd डे हम लोग का होगा मीटिंग। अभी देखो मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट रहेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम किसे नोटिस भेजेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे समझाने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब मीटिंग में डिस्कस क्या होगा। मीटिंग में दो चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, एक है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 चीज़ें आती हैं, इन 4 चीज़ों को एक्सक्लूड करके बाकी जो भी डिस्कस किया जाएगा वो सब स्पेशल बिजनेस के अंडर आएगा। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या है, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, फाइनेंशियल अकाउंट्स को शो करना, डायरेक्टर अगर कोई रिटायर हो रहा है तो डायरेक्टर अपॉइंट करना है, दैट इज़ ऑर्डिनरी बिजनेस। हो सकता है किसी डायरेक्टर को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना है और तब हमें अपॉइंट करना हो, तो वो स्पेशल बिजनेस में आएगा। रिटायरिंग डायरेक्टर हो तभी वो ऑर्डिनरी बिजनेस में आएगा। और अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के रेमुनरेशन को फिक्स करना भी ऑर्डिनरी बिजनेस में आएगा। इसके अलावा डायरेक्टर को रिमूव करना, बोनस इशू करना, राइट शेयर इशू करना, किसी को इलेक्ट करना, ये सब कुछ स्पेशल बिजनेस में आएगा। सपोज अभी एक प्रॉब्लम हुआ कि हम मीटिंग नहीं हेल्ड कर पाए और हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट ने मीटिंग बुलाया, हम तब भी नहीं गए, तब क्या होगा, क्योंकि हमने मीटिंग को एक्सटेंड किया है, अगर हमें 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन मिले तो हमें 1 लाख रुपए का फ़ाइन लगेगा। लेकिन अगर कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने मीटिंग बुलाया है, हमने एक्सटेंशन लिया है और हम फिर भी मीटिंग नहीं किए, तो पर डे का 5,000 लगेगा जब तक हम मीटिंग नहीं करवाते फिर से। सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर एनुअल जनरल मीटिंग। गो थ्रू द टॉपिक लाइन बाई लाइन, एंड इफ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी।